शांति। आज है 27/3/20 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे हैं, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है, नष्टो मोहा बनने का, किसी में भी ममत्व ना हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप ही कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप ही इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है, यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो। किसके साथ? बाप दादा के साथ। ये है ऊंच ते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं, हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहां वे विश्व के मालिक, कहां अभी के मनुष्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था, हम ही विश्व के मालिक थे, और किसकी बुद्धि में ये नहीं है। इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं, जो और कोई समझ ना सके। सिवाय बाप के ये नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इससे खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो।
पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखे। कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या। अभी पाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो ये पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे, पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़े ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। इसीलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको ये पता था क्या कि हम त्रिलोकी नाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे?
वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग, जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि ये सब कल्पना है, तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं है, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है, अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नोंद है, ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है, वे बाप से प्रीत रख ना सके। ड्रामा के रास को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वे सुनो, बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात, सबको नंबरवार जाना तो है, इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है, इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है, वे है बिंदियों का झाड़। ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं, वह हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, ये एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। ये बाप भी है टीचर भी है तो गुरु भी है। ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे बाप दादा को देखने लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी
ये ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है, घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम दो पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप ही कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे, बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें। कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है। हमको अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई है ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योगबल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है। फिर पवित्र कैसे बने? भगवान उवाच मन मना भव। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ। परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो। अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाला हो
होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती, मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुणा पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है, आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। ये भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है, कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे, समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है, विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वे अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। दूसरी पॉइंट है, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा यज्ञ सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेही पसंद है, जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है, दिल वाला बाप को दिल का स्नेह
और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन इसने नहीं तो जमा नहीं होता। इसने से थोड़ा भी जमा करते तो वह पदम हो जाता है। आज का स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो।